साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे लिमसी। साथियों लिमसी विटामिन सी टैबलेट है, विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट है। साथियों ये ऑरेंज फ्लेवर की टैबलेट है। साथियों एबॉट हेल्थ केयर लिमिटेड, साथियों एबॉट हेल्थ केयर लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है। और साथियों जो इसकी 15 स्ट्रिप की टैबलेट आप देख रहे हैं साथियों, 22 रुपये 93 पैसा, 22 रुपीज़ 93 पैसे की ये टैबलेट की फुल स्ट्रिप है जिसमें 15 टैबलेट है। साथियों लिमसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, विटामिन सी लिमसी है क्या, साथ ही साथ इसके इंग्रेडिएंट यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रेक्शन की, डोजेस की एंड साथियों इसके जो है कंपनी एंड ब्रांड्स की बात करेंगे। तो साथियों लिमसी होता क्या है? लिमसी टैबलेट इज ए विटामिन सप्लीमेंट। साथियों ये विटामिन सप्लीमेंट है, इट कंटेन्स विटामिन सी और जो कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। साथियों ये सर विटामिन सी है जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं एंड आल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। इट हेल्प्स यू मीट योर डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी। साथ में जिनको भोजन से जो है विटामिन सी बहुत मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाता है, ऐसे केस में क्या होता है कि लिमसी टैबलेट जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एंड इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन सी डिफिशेंसी, और जिनको विटामिन सी की कमी हो जाती है उसमें इसको जो है प्रिस्क्राइब भी करते हैं। विटामिन सी इज एक्सीलेंट एंटी ऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। और ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, और बॉडी में किसी तरह का आघात है उसको जो है रिकवरी करने में बहुत ही मददगार है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू बूस्ट इम्यूनिटी, और ये रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है एंड हेल्प्स यू फाइट अगेंस्ट सीजनल एलर्जीज एंड फ्लू। साथियों मौसम चेंज होते ही जैसे गले में खराश हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, छींकने लगते हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथियों एक और चीज़ बताऊंगा, आजकल के कोविड के दौर में, कोरोना के दौर में इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए साथियों ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है। जो भी पर्सन नेचुरल फ्रूट जैसे क्या होता है सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट जो है क्या होता है कि खट्टे पदार्थों से विटामिन सी मिलता है, जैसे कि आंवला है, संतरा है, नींबू है, ऑरेंज है, किन्नू है, ये सब सीजनल फ्रूट जो है खाने से क्या होता है विटामिन सी मिलता है। साथियों एक चीज़ और बताऊंगा, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए बॉडी में कभी स्टोर नहीं होता है, यूरिन के थ्रू निकलता रहता है, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए जैसे लेमन है, ऑरेंज है, खट्टे फल है, ये लोगों को खाते रहना चाहिए। जब ऐसा कुछ लगता है कि विटामिन सी की कमी है तो ऐसे केस में जो है लिमसी टैबलेट जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथियों ये अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है और जो इसकी MRP है 22 रुपये 93 पैसा 15 टैबलेट के लिए है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूजेस की बात करेंगे, इंग्रेडिएंट एंड बेनिफिट की बात करेंगे। तो विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथियों पूरी बॉडी की जो है ग्रोथ और विकास के लिए विटामिन सी जो है बहुत ही लाभकारी है एंड रिपेयर ऑल बॉडी इश्यूज। अब किसी तरह का जो है बॉडी में इश्यूज है उसको रिपेयर करता है। इट इज एन एक्सीलेंट एंड एंटी ऑक्सीडेंट है, ये एक्सीलेंट एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी सेल्स एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज। शरीर में किसी तरह का आघात है, घाव हो गया, बुंस हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, उसको भरपाई करने के लिए सबसे बढ़िया विटामिन है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जिन रोगियों को एनीमिया है या खून की कमी होती है वो टैबलेट खाते हैं या भोजन खाते हैं, आयरन रिच होता है जैसे लीफली वेजिटेबल्स है, सभी कुछ है, और उसमें क्या होता है ऐसे केस में क्या होता है उसके जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे अच्छी दवाई है। साथियों ये दांतों को चमकदार बनाता रहता है, दांत में किसी तरह से विकार है जैसे मसूड़ों से खून आ रहा है और जो है पायरिया हो जाए, इसको खाने से क्या होता है दांत एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। साथियों इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, बूस्ट इम्यूनिटी जैसा कि अभी हमने डिस्क्रिप्शन में बताया, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज और ये रोगों से बचाता है, एलर्जीज है, एनवायरमेंट रिलेटेड है, जो भी सीजनल आता है मौसम चेंज की वजह से खांसी जुकाम होता है वो नहीं होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ये क्या होता है बॉडी के अंदर कोलेजिन सिंथेसिस करता है। कोलेजिन साथियों एक तरह का प्रोटीन होता है, हेल्प्स इन वुंस, और ये घाव को भरने में बहुत ही मददगार है, हीलिंग करता है और स्किन को रिपेयर करता है, नेल्स और हेयर और टीथ को चमकदार बनाता है, और ये क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन को बेटर बनाता है, जो फूड से जो है चीज़ें मिलती हैं उसको बेटर एब्जॉर्ब करता है। साथियों जिन रोगियों को विटामिन सी की कमी हो जाती है, स्कर्वी रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, ऐसे केस में क्या होता है विटामिन सी टैबलेट
जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। साथियों स्कर्वी रोग क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। साथियों स्कर्वी रोग एक वो मतलब इसके जो लक्षण हैं, शरीर में कमजोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, साथ ही साथ होता क्या है कि साथियों मसूड़ों से गम आने लगता है और जो है ब्लड के उसमें जो है स्किन में स्पॉट पड़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब है दी जाता है कैरेक्टर साफ था स्कर्वी रोग। साथियों ये एज ए सप्लीमेंट क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ ही साथ फाइट अगेंस्ट सीजनल एलर्जीज से भी बढ़ाता है। और साथियों क्या होता है मसूड़ों से खून आता है, होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं या इस तरह से स्किन सूखी रहती है, त्वचा सूखी रहती है, ऐसे केस में विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों बहुत सी लड़कियां हैं, यंग मतलब बॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं इसकी टैबलेट को क्रश करके पीस के स्किन पे लगाते हैं और ये स्किन को ग्लो भी करता है। साथियों ये स्किन को ग्लो करता है और ये कहता है स्किन की सेल को जो है प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हेयर को जो है चमकदार बनाता है, मेंटेन रखता है, हेयर ग्रोथ भी करता है साथियों। तो इसके बहुत ही साथियों फ़ायदे हैं साथियों। तो इसी के साथ जो है बेनिफिट के बाद हम साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे। साइड इफ़ेक्ट में ऐसा है साथियों इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से जो है पेट में अपसेट हो जाता है, पेट जो है गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कभी कभार हो जाती है मरीज को, डायरिया की शिकायत हो जाती है। और ये क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि इसको खाने से खुजली हो सकती है, रैसेस पड़ सकते हैं। ये हल्के फुल्के लाइट जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। सर में दर्द होने लगता है और नींद जो है स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी वोमिटिंग जैसा फील करता है मरीज। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे, व्हेन यू गो टू डॉक्टर और फार्मासिस्ट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिसन्स एंड टैबलेट एंड डिजीज। कहने का मतलब है अगर कोई दवा से आपको एलर्जीज है तो वो ज़रूर बताएं, साथ ही साथ अगर आपको कोई बीमारी है जिसकी आप दवा खा रहे हैं या बीमारी है तो वो ज़रूर बताएं। जैसे कि किडनी डिजीज है, किडनी इम्पायर फंक्शन है, जिनको किडनी का स्टोन है उनको इस दवाई का सेवन नहीं करना है लिमसी टैबलेट का। साथ ही साथ जो है एंजाइम डिफिशेंसी है जिसको हम G6PD डिफिशेंसी कहते हैं, उनको इस दवाई का सेवन नहीं करना है साथियों। साथियों इंट्रक्शन की बात करेंगे, इसको सेवन के बाद एल्कोहल का कंजप्शन ना करें, डू नॉट कंज्यूम एल्कोहल आफ्टर टेकन दी लिमसी टैबलेट। साथियों इसकी डोज की बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट डोज इसकी साथियों जो है हेल्दी पर्सन है तो वंस ए डे है, अदरवाइज किसी तरह से समस्या है, शरीर कमज़ोर है और उसको लगता है कि विटामिन सी की कमी है और मसूड़ों से खून है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उससे केस में 1 BD टैबलेट खा सकते हैं। साथियों एक चीज़ और बताऊँगा, 60 to 90 mg इसका डेली रिक्वायरमेंट होता है बॉडी के अंदर से, उसी से हिसाब से कैलकुलेट करके इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।